वेलकम बैक टू द चैनल बी ऑसम TLF। तो आज आप सोच रहे होंगे ना कि थोड़ा सा अलग माहौल है, थोड़े अलग लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे हाथ में केतली अगर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग हैं सेक्टर 22 केतली वाला में, जहां पे सर्व किया जाता है भाई हमारा इंडियन स्नैक, बट बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। बात सही है ना? सही है? सही बात है। सो गाइज, अब खाना कैसा होगा ये तो हमें खा के पता लगेगा, बट एक बात श्योर है कि इनका स्टाफ और पूरी एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो तब तक ये केतली ले जाते ताकि मेरे लिए एक्चुअल चाय लेके आ सकते। थैंक यू। मज़ा आ गया, लाइफ का एक गोल पूरा हो गया मेरा। हमेशा से जब मैं मुंबई में थी तो यूजली ना वहाँ पे इसी में केतली में ही चाय देते हैं, तो वहाँ पे ना मुझे बहुत आता था कि नहीं मुझे ना ऐसे ही इसमें से एक बार तो चाय डालने का मौका मिले, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे पूरा अपने ऊपर डर था कि मैं वो गिराऊंगी। आज मैंने नहीं गिराई, अब मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। हमारी कटिंग चाय तैयार है। तो एक मिनट, मैं भूल गई थी कटिंग चाय से पूरी नहीं होती जब तक इसमें बिस्किट डुबोया ना जाए। कटिंग चाय का मज़ा बारिश के मौसम में ऑथेंटिक केतली के साथ। तो अब हम वेट करते हैं जी खाने की, और एम्बियंस भी दिखा दिया है, अब बारी है जी ट्राई करने की कि टेस्ट कैसा है। सो गाइस, मेरे पास आ चुकी है इनकी स्पेशल पाव भाजी की प्लेट। तो मैंने बोला था कि मैं वन पर्सन के लिए बनाना, बिकॉज मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है। तो उन्होंने बोला आप टेंशन ना लो, हम आपको सर्व करते हैं। तो पाव भाजी वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले तो ये देखो, ऑथेंटिक मिर्ची भी दी है इन्होंने। कई बार ना पाव भाजी खाने जाओ तो मिर्ची नहीं देते वो लोग, बट इन्होंने दी है। तो सबसे पहले पाव भाजी खाने का तरीका होता है कि नींबू उठाइए और उसको अपनी भाजी में अच्छे तरीके से निचोड़िए, एंड देन ऐसे चम्मच से मिक्स कर दो। और हमारे पाव हमारे पास आ चुके हैं, मतलब घी लगा हुआ है पाव में, यार क्या मज़ेदार है। अब चीज़ देखो कि भाजी में मेरे को लग रहा है कि मटर दिख रहे हैं हमारे पास, टमाटर तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब ट्राई करके पता लगेगा कि टेस्ट कैसा है। सो लेट्स सी, मुंह में पानी आ जाता है पाव भाजी की बात सुनते हुए। भाई साहब, करें फिर शुरू। स्पाइसेस का जो बैलेंस है बहुत ही अमेजिंग तरीके से बैलेंस हुआ हुआ है। टैंगीनेस की बात करें तो हमारी जो भाजी है वो लिटिल टैंगी है, जिसकी वजह से इसमें बहुत अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा है। मोस्टली भाजी टैंगी होनी चाहिए अगर हम बॉम्बे की बात करें, बट मैंने जितनी भी जगह पे खाई है वो थोड़ा स्पाइसी डाल देते हैं और बटर उसमें इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि एक्चुअल में जो स्वाद होता है भाजी का वो नहीं आता है। बट इनका जो स्पाइसेस की बैलेंस की बात कर रही हूँ, टैंगीनेस की बात कर रही हूँ, और बटर इन्होंने ओवर द टॉप नहीं डाला है कि आपको स्वाद ही नहीं आएगा, उसकी वजह से ये बहुत ही अमेजिंग डिश टेस्ट करती है। और साथ में हमारे पाव को भी ना इन्होंने गीला ही नहीं कर दिया, घी में डाल के निचोड़ ही नहीं दिया, बहुत ही परफेक्टली इट हैज़ बिन मेड। दैट इज़ वाई पाव भाजी को मैं देती हूँ 5 में से 5 नंबर, बिकॉज मुझे इनका जो टैंगीनेस का फ्लेवर है ना, वो खट्टा मीठा जो स्वाद है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। एंड जिस तरीके से इन्होंने सर्व किया, बहुत ही होमली और फैमिली वाली फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग आती है। जो मम्मी नहीं देती है कि खाला ने तो चित्तर पैड़े, वो प्लेट छिपा के इदा ही दिन दिन। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई इफ़ यू विजिट केतली वाला सेक्टर 22। अब बारी है जी इनके स्पेशल अप्पे ट्राई करने की, सेव पूरी ट्राई करने की और भरमा गोलगप्पे ट्राई करने की, तो वो करते हैं। तो गाइज, आप ये देख सकते हो कि इन्होंने जो मैंने ना इनको बोला था कि मुझे प्लेटर बना दो, ये तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, मैंने इनको बोला स्पेशल चीज़ों का छोटा सा प्लेटर बना के दो। तो इन्होंने मुझे दिए हैं सेव पूरी, अप्पे, देन दे हैव गिवन मी भरमा गोलगप्पे, और साथ में सबसे अमेजिंग चीज़ कोकोनट चटनी। एंड ये चटनी का नाम मुझे आज तक नहीं पता, वो वाली चटनी टमाटर की चटनी, बट फिर ये ऐसे रंग की क्यों होती है ये नहीं मुझे पता। सो गाइज, अब ट्राई करते हैं इसे। तो अप्पे की तो इन्होंने बहुत तारीफ करी कि हमारे वाले जो अप्पे होंगे ना वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, एंड साथ में वो इतने सॉफ्ट है ना कि लाइक दिल खुश हो जाता है। तो इसको हम कोकोनट चटनी में डुबोएंगे साथ में टमाटर चटनी में, और अब बारे खाने की।
एक्चुअल में इसका जो स्वाद है वो काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज एक तो जो इसकी फिलिंग है उसमें हल्की कैरेट है, धनिया है, मिर्च है, और साथ में ना कुरकुरापन है। सॉफ्ट तो ये है ही है, बट इसके साथ जो इसका कुरकुरापन है ना वो इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाता है। और जब चटनी के साथ आप खाते हो तो मुंह में जो फ्लेवर्स का ब्लास्ट होता है ना, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो ये सच में बोल रहे थे कि ऐसे अब पे मैंने नहीं खाए हैं जिसकी फिलिंग भी इतनी टेस्टी हो, जिसका जो बैटर होगा वो ही इतना स्वाद हो। आई एम लिटरली टेलिंग यू, क्रंच के साथ जब खाते हो ना इसको, सॉफ्टनेस एंड क्रंचीनेस, इट गिव्स यू एन अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट। अब बारी है जी सेवपुरी की। अब ये कहीं टूट ना जाए, तो टूटने से पहले हम इसे खा लेते हैं। वेरी फ्रेश, मुंह में जाते ही ना ताजगी वाला एहसास हुआ। जो इसमें खट्टा मीठापन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और अनार के दाने और जो ऊपर से इन्होंने सेव डाली होती है ना उसकी वजह से ये और टेस्टी बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश। तो टेस्ट की अलग बात है, इसको खा के जो फ्रेशनेस आती है वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। एंड तीसरी बार, दिस इज़ आर भरमा, नहीं नहीं नो नो नो, सो गाइस सो सॉरी, खुशी खुशी में ना गलती हो गई। सेवपुरी ये है वो भरमा गोलगप्पे थे, और वो इतने ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी थे, क्या बताऊँगा आपको। अब सेवपुरी की बारी है। स्वाद ओके, सो बात की जाए टेस्ट की, तो जो टेस्ट था सेवपुरी का वो काफ़ी अमेजिंग था। मतलब मैंने ना मुंबई में जितना टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे मैंने ऐसी सेवपुरी खाई है, बट मुझे ट्राई सिटी में आज तक ऐसी सेवपुरी नहीं मिली है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वो इसमें दही डाल देते हैं और ऊपर से चटनी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका ऑथेंटिक टेस्ट है ना वो मर जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं था। टोटली ऑथेंटिक स्वाद, 5 में से 5, मतलब ये पाव भाजी के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे बेस्ट लगी है। एंड हमारा प्यारा गोलगप्पा, जो सब कुछ खाने के बाद जब आपको लगे ना अब शांत और रिफ्रेश फील करना है तो भरमा गोलगप्पा मंगा लो, इनका बेस्ट अभी तक का जितना मैंने खाया है, और जितनी अमेजिंग ये जगह है और जितना स्वीट इनका स्टाफ है उस हिसाब से। और प्राइसिंग की बात करें तो इनके प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, ग्रुप में आ सकते हो, बिकॉज प्राइजेस आर सो रीजनेबल। तो उन सब की वजह से अभी तक के लिए जस्ट 5 out of 5। जब खाते खाते रुका ना जाए ना वो चीज़ होती है परफेक्ट, और वही था इसमें भी, वही स्वाद और टेक्स्चर एंड फ्रेशनेस। तो मेरे चेहरे की खुशी बता सकती है कि आई रियली रियली लव इट, मतलब सोने पे सुहागा थी आइटम। जब तक मैं ये पूरी ख़त्म करती हूँ तब तक हमारी चाय भी आ जाएगी, स्पेशल केतली वाला है। बोलो, पुराने दिनों की याद आती है कि जब छोटे होते थे ना तो वो लच्छे वाली कुल्फी खाने जाते थे, मटका कुल्फी जिसको कहते थे, तो वही मतलब फील आता है। और खाने में ये बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी है। यहाँ की जितनी चीज़ें थी, अगर मैं बात करूँ मेन्यू की, एक सेकंड इसको खा लूँ, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। अब केटली वाला का स्पेशल मेन्यू की बात करूँ, 60 rupees से इनकी स्टार्टिंग होती है, 60 rupees से इस अमेजिंग जगह में आके आप खा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, इतनी अमेजिंग वाइब। 60 rupees से स्टार्ट होती है और ये जाती है जी आपकी 320-490 तक, डिपेंड्स अपॉन योर प्लेटर। अब ये तंदूरी प्लेटर है जो 490 का है, जिसमें अफगानी पनीर, अमृतसरी सोया चाप, मलाई, ब्रोकली, मशरूम टिका, सो इतनी सारी आइटम एट दिस प्राइस एंड सच अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स इन दिस
मतलब सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत ही ट्विस्ट के साथ बनाई गई हैं और बड़े प्यार से और सुंदर तरीके से सर्व होती हैं, जिसकी वजह से ये खाने में और स्वादिष्ट लगते हैं। और एज ऑलवेज क्वालिटी 515, क्वांटिटी 515, टेस्ट 5 में से 10 नंबर, और एम्बियंस 100 out of 100, और स्टाफ सुपर स्वीट, सुपर पोलाइट, होलसम एक्सपीरियंस ऑफ दिस एंटायर प्लेस। और ये बिल्कुल भी पेड रिव्यू नहीं है, क्योंकि हम पैसे नहीं लेते हैं अपने चैनल के ऊपर प्रमोट करने के लिए किसी भी वीडियो को। सो दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू, और अगर हम लोग पेड भी कभी करें ना तो हम जेन्युइन रिव्यू देते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो विजिट दिस प्लेस, केटली वाला सेक्टर 22 चंडीगढ़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।